नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप, एक फार्मासिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे कैल्सिट्रॉल के बारे में और देखेंगे इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल्स कैल्सिट्रॉल के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ क्या होता है, इस कैल्सिट्रॉल का डोज क्या है, किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है, किस ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैल्सिट्रॉल है क्या। तो कैल्सिट्रॉल विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म है और ये बनता है आपके किडनी में। किडनी में बनने के बाद ये बोन्स को और फिर और भी बॉडी में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये जाता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब किडनी में सफिशियंट अमाउंट में विटामिन D3 यानी कि कैल्सिट्रॉल नहीं बन पाता है तब इसको आपको बाहर से लेना पड़ता है। और बाहर से इसे लेना पड़ता है और जब ये नहीं बनता है तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब इसे आप बाहर से लेते हैं तो आपको जो भी परेशानियाँ होता है उससे आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलता है। तो इसके आगे अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है डोजेस फॉर्म कैल्सिट्रॉल के। तो कैल्सिट्रॉल जो है आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा, टैबलेट, इंजेक्शन, पाउडर और ओरल सस्पेंशन, ये जिस फॉर्म में आपको इजीली मार्केट में केमिस्ट के शॉप पे आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ में ये आपको मार्केट में मिलता है, किस स्ट्रेंथ में कंपनियां इसे बनाती हैं। तो इसे दो स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, एक 0.25 mcg, mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम, और 0.50 माइक्रोग्राम। तो इन दो फॉर्म में इसे बनाया जाता है। तो ये दो हुए इसके स्ट्रेंथ। इसके आगे अब हम बात कर लेते हैं ब्रांड नेम के बारे में। तो ब्रांड नेम जो है, ये ब्रांड नेम आपको चेंज होते रहते हैं आपके एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम लाया है जो आप देख सकते हैं। कैल्सिट्रॉल जो है वो एक जेनरिक नेम है और ये अपने जेनरिक नेम से भी आपको मिल जाता है। कैल्सिट्रोलिन से मिल जाएगा आपको, इस्टोकल से मिल जाएगा, बायो D3+ इसका सबसे ज़्यादा फेमस ये ब्रांड नेम है, या इससे आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताया ब्रांड नेम। इसके आगे आप देख लेते हैं क्या है यूज इसके। तो यूजेस के बारे में डिटेल्स हम देखते हैं। तो इसका मेन यूज जो होता है, बोन यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं उससे जुड़ी जो भी परेशानियाँ होती है उसको सही करने के लिए इसे लिया जाता है। इससे जैसे पहला यूज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया में होता क्या है कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है, जो भी पीपल होता है, उसका क्या होता है कि जो हड्डी होता है वह बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और उसमें लचीलापन आ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा भी भार पड़ता है तो उसकी वजह से ये मुड़ने लगता है, मुड़ सकता है, उसका खतरा बना रहता है। तो ये हुआ आपको ऑस्टोमलेशिया। आगे होता है रिकेट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे मैंने दो डायग्राम आपको दिखाया, एक नॉर्मल और एक जो है रिकेट्स के फॉर्म में, मतलब जो कि अब नॉर्मल है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेम प्रोसेस होता है, इसमें भी वही चीज़ होता है जो ऑस्टोमलेशिया में होता है, लेकिन ये जो होता है ये बच्चों में होता है। तो ये यहाँ पे चाइल्ड में ये होता है, तो यहाँ पे भी उनके भी हड्डियाँ का होता है कि कमज़ोर हो जाते हैं और लचीला हो जाता है। इसके अलावा फिर होता है ऑस्टोपोरोसिस। अब इसमें क्या होता है कि यह मोस्टली जो है ओल्ड एज पर्सन में होता है, जैसे जिनका एज 60 साल हो गया उसके अगल बगल में जो है उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है ऑस्टोमलेशिया के। इसमें क्या होता है कि आपका जो बोन होता है, जो हड्डी होता है, वो क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है। और ये क्या होता है कि कोई भी वजन पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, टूटने का खतरा बना हुआ रहता है, टूट सकता है यहाँ पे। इसके अलावा क्या होता है कि हाइपर कैल्सीमिया, इसमें क्या होता है कि ब्लड में आपके क्या होता है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ पे भी इसे लिया जाता है। फिर से आपको क्या होता है हाइपर थायरॉइडिज्म, यहाँ पे क्या होता है हाइपर थायरॉइडिज्म कब होता है, तो इसमें आपको गले में देखने को मिल सकता है, जब आपकी किडनी डायलिसिस पे है या फिर डायलिसिस हो रहा है, आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस समय पे ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। या फिर आपका जो बोन वीक हो गया है, उसमें कमजोरी आ गया है बोन में आपको, तो उसको सही करने के लिए ये दिया जाता है, डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही साथ क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर आपको है, कोई भी किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको है, तो वहाँ पर भी इसका सेवन किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं क्या है सही डोज, किस सही मात्रा में इसे लिया जाए तो ये सही तरीके से अपना एक्शन शो करेगा। तो डोज जो है वो 0.25 mcg एक बार लिया जाता है पूरे दिन में, इसको लिया जाता है। और इस ये सभी के लिए होता है, एडल्ट के लिए होता है, फिर से ओल्ड एज के लिए भी ये ले सकते हैं, और फिर बच्चों के को भी दिया जा सकता है। और ये जो होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है, मतलब नॉर्मली 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ हो सकता है, डिजीज के कंडीशन पर डिपेंड करता है, 6 मंथ से ज़्यादा भी लिया जाता है इसे। अब इसमें एक चीज़ और है कि
अगर आप इसे मॉर्निंग में ले रहे हैं खाना खाने के बाद, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है और फिर आपके बॉडी पे इसका जो एक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है। तो आप जब भी इसे ले, अगर सुबह में लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब ये हुआ डोज, इसके आगे अब हम देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। क्या है साइड इफ़ेक्ट्स? तो साइड इफ़ेक्ट जो है हेडेक रह सकता है आपके, आपके सिर में दर्द रह सकता है, फिर से आपको नौजिया और वोमिटिंग की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा फिर से आपको यूटीआई प्रॉब्लम, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जिसके वजह से आपको यूरिनेशन में जलन हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होता है, दर्द भी रह सकता है, यूरिनेशन के टाइम में दर्द रह सकता है। तो ये हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा फिर आपको क्या होगा कि थकान महसूस होगा, चक्कर भी आ सकता है थकान की वजह से। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस कंडीशन होते हैं, इसमें क्या होता है कि एलर्जी कंडीशन होता है, यहाँ पे एलर्जी भी हो सकता है, आपके पेट में दर्द रह सकता है, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा फिर कंस्टिपेशन का भी शिकायत आ सकता है, आपको कंस्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हुए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा भी अगर किसी भी और तरीके का अगर आपको साइड इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे दिख रहा है, तो आप सबसे पहले इस मेडिसिन का सेवन करना लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले या फिर अपने फार्मासिस्ट से मिले और उन्हें बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।